मछुआरे अपने मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से बहुत नाराज हैं कि 100% साक्षरता है तो क्या हुआ, दंगा फसाद नहीं है तो क्या हुआ, बढ़िया पर्यावरण, बढ़िया स्कूल, बढ़िया अस्पताल है तो क्या हुआ, विकास तो योगी जी ने किया, योगी जी बोले तो योगी आदित्यनाथ, गाजियाबाद एलिवेटेड रोड की फोटो देखकर विकास के बड़े बड़े विधाता माथा पकड़े बैठे हैं, ऐसे तो सच में नहीं देखा, योगी आदित्यनाथ ने तो आसमान में नहर बना डाली है, पूरी दुनिया में नहीं है ऐसी नहर। जनता भी ना बेकार में रोती रहती है, बताइए रोजगार का इतना अच्छा मौका है और पब्लिक जाम के नाम पर रो रही है, प्रधानमंत्री रोजगार के लिए इतने परेशान है लेकिन जनता उनके मन की बात समझने को राजी नहीं है। ये नहीं होता कि 150 किलो मछली के अंडे लाकर डाल दे, महीने दो महीने में 100-200 क्विंटल मछली तो ऐसे ही हो जाएगी, दाना वाना योगी जी डलवा ही देंगे, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और गाजियाबाद नोएडा मेरठ वालों को बढ़िया ताजे पानी की स्वादिष्ट मछली, और शेफ संजीव कपूर इंडिया गेट पर जब दिल्ली वालों के लिए खिचड़ी पका सकते हैं तो यूपी वालों के लिए मछली क्यों नहीं पका सकते। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि भारत में ये ताजे पानी की सबसे लंबी झील है और बताने वाले इस रिकॉर्ड पर खुश हो सकते हैं कि 4 घंटे के समय में हमने इस झील का निर्माण किया है और वो भी आसमान में, नासा वालों का सारा साइंस फेल हो गया है, नीचे रोड, ऊपर रोड और बीच में झील, मतलब हैंगिंग गार्डन सुना था, हैंगिंग रेस्टोरेंट भी सुना था, हैंगिंग होम भी सुना था, दुनिया के कुछ देशों में हैंगिंग रिजॉर्ट टाइप की चीजें भी हैं, लेकिन योगी जी कलाकार आदमी है, हैंगिंग झील बना डाली, ऊपर भगवान, नीचे दुकान और बीच में नदियां तूफान, पिकासो होता तो मोनालिसा की पेंटिंग को कूड़ेदान में फेंक देता और गाजियाबाद की एलिवेटेड झील को मास्टरपीस घोषित कर देता। जनता भी ना सुधर नहीं सकती, झील में कार उतार फंस गए, बताइए योगी जी ने 1147 करोड़ रुपया लगाकर इतनी बढ़िया हैंगिंग झील बनाई और ये कह रहे कि जाम है, अरे भाई जब झील में कार उतार दीजिएगा तो डूबे नहीं है यही क्या कम है। अच्छा नसीब नसीब की बात है तो इस बार नसीब योगी आदित्यनाथ का है, इतनी खूबसूरत झील के लिए योगी जी को पर्यटन का पुरस्कार मिलना चाहिए। योगी जी का सरप्राइज गिफ्ट है ये, 31 मार्च 2018 को वो टनाटन लाल फीता काट रहे थे तो किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि दरअसल वो झील का उद्घाटन कर रहे हैं, झील में भी आसमानी झील, विकास का ऐसा मनमोहक नजारा नहीं मिलेगा कि मन करे तो कार चला लीजिए, मन करे तो मछली पाल लीजिए, मन करे तो नहा लीजिए, मन करे तो खेत पटा लीजिए, केरल वाले पिनरई के पीछे पड़े हैं, हमको भी ऐसे आसमान में झील बना कर दीजिए। आज तक ब्यूरो।